Assalamu alaikum, my name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 6. This lecture is on cyber ethics as well, which this is in continuation to the previous lecture. Previous lecture mein humne uniqueness issues padhe. Main agar thoda sa revise kar dun aapko previous lecture. Uske andar humne ye dekha ki cyber ethics kya cheez hoti hai aur cyber ethics kahan par implement hote hain. Ye humne bataya ki cyber space par implement hote hain. और साइबर स्पेस जो है उसके अंदर बहुत सारे मीडियम्स आते हैं. हमने उन मीडियम्स के ऊपर बात की जिसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी आती है. और उसके अंदर जो इश्यूज अराइज होते हैं व्हेन पीपल स्टार्ट शेयरिंग मटेरियल ऑन दीज मीडियम्स और पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर ऑन दीज मीडियम्स, तो उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज रेज होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और क्या वो एथिकल इश्यूज के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं कि नहीं. साइबर स्पेस के बाद हमने बात की कि साइबर स्पेस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं और उन टेक्नोलॉजीज को क्या कहा जाता है. तो हमने बताया कि साइबर स्पेस वाली टेक्नोलॉजीज वही हैं जो कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं. और इनको सबको जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो किसी मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू किया जाता है. सच एज मैंने लैन की बात की, वैन की बात की, और फिर मैंने मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल नेटवर्क्स की बात की. तो इन सब को अगर हम मिलाएं तो हम साइबर टेक्नोलॉजी का लफ्ज यूज़ करते हैं. तो साइबर टेक्नोलॉजी साइबर स्पेस में यूज़ होती है और इस साइबर टेक्नोलॉजी की वजह से जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जिनको साइबर एथिक्स कहा जाता है. फिर हमने इसकी हिस्ट्री पर देखा कि साइबर एथिक्स के इश्यूज जो हैं वो कब से राइज करना शुरू हुए. हमने स्टार्ट किया जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे 50s और 60s में, उस वक्त कौन से इश्यूज हुआ करते थे. और फिर मेन फ्रेम के बाद कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स आने शुरू हुए और नेटवर्कड कंप्यूटर्स आने शुरू हुए जिसके अंदर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स हुआ करते थे. उनके जब इस तरह की नेटवर्क कंप्यूटर होते थे तो उनके अंदर एथिकल इश्यूज कौन से होते थे वो हमने डिस्कस किए. फिर 80s के अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई और माइक्रो कंप्यूटर्स आना शुरू हुए. और फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से आप ग्लोबली कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क कर सकते हैं, उससे डिफरेंट इश्यूज अराइज करना शुरू हुए. और उसके बाद हमने देखा कि आज से लेकर जो नियर फ्यूचर के अंदर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी होगी, जेनेटिक एंड जीनोम रिसर्च होगी, तो उसके अंदर क्या कौन कौन से एथिकल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. फिर हमने यूनिकनेस के ऊपर बात की. यूनिकनेस की जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम जितने भी इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे और जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, तो हम एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एथिक्स का और हम डिबेट्स देखेंगे मुख्तलिफ ऑथर्स के दरमियान कि क्या साइबर एथिक्स जो है इसको एज ए सेपरेट फील्ड लेना चाहिए या नहीं, क्या इसको जनरल एथिक्स में शामिल करना चाहिए या इसको कंप्यूटर एथिक्स में या इंटरनेट एथिक्स में शामिल करना चाहिए या इसको एज ए सेपरेट फील्ड रखनी चाहिए और साइबर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी एथिकल इश्यूज हैं वो हम साइबर एथिक्स में डील करें. तो उसके लिए सबसे पहले हमने यूनिकनेस पे देखा, वेदर साइबर एथिक्स इज अ यूनिक फील्ड और नॉट एंड डज इट हैव यूनिक इश्यूज और नॉट. इफ इट हैज यूनिक इश्यूज एंड इफ इट इज यूनिक फ्रॉम अदर इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज, देन वी विल हैव टू हैव अ टोटली न्यू ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट इज कॉल्ड साइबर एथिक्स. तो यूनिकनेस के अंदर मैंने आपको एक केस भी बताया, एमी बॉयर का केस लास्ट टाइम, कि किस तरह एक स्टॉकर था जिसने एमी बायर को स्टॉक किया यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड नैनो एंड साइबर टेक्नोलॉजीज. और वो उस केस ने बहुत सारे इश्यूज को रेज किया, लेकिन जब उसको हम एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर दो किस्म के व्यूज आते हैं. एक ट्रेडिशनलिस्ट का व्यू आता है और एक ऐसे एक व्यू आता है कि यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स का व्यू आता है. ट्रेडिशनलिस्ट तो ये कहते हैं कि इट इज नॉट समथिंग न्यू, साइबर एथिक्स कुड बी कवर्ड इजिली इन एनी जनरल एथिक्स वेदर दोज आर कंप्यूटर और इंटरनेट एथिक्स. एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट साइबर एथिक्स डज नॉट इंट्रोड्यूस एनीथिंग न्यू, रादर दे हैव गॉट ऑल दोज इश्यूज विच कुड बी
experienced in any other field of life. तो लेकिन जो ethic uniqueness proponents हैं वो ये कहते हैं कि इसके जो साइबर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो इश्यूज आए हैं वो टोटली यूनिक हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे इश्यूज दुनिया ने पहले एक्सपीरियंस नहीं की. तो इन दोनों के दरमियान की जो डिबेट है वो हमने लास्ट टाइम देखी और अभी वो यूनिकनेस पे हम बात जारी रखेंगे. उसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल और यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स आर ईच पार्टली करेक्ट. तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, डिफरेंट एंगल से देखें, तो दोनों के कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो करेक्ट है. ट्रेडिशनल करेक्टली पॉइंट आउट द नो न्यू एथिकल इश्यूज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर्स, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने बात की. लेकिन यूनिकनेस वाले भी ठीक है, वो कहते हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी हैज कॉम्प्लिकेटेड आवर एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल एथिकल इश्यूज. साइबर टेक्नोलॉजीज में ऐसे ऐसे इश्यूज आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टॉकर वाली बात करें तो वो एक स्टॉकर कमरे के अंदर बैठ के ना सिर्फ मल्टीपल लोगों को स्टॉक कर सकता है बट ऑल्सो ग्लोबली भी लोगों को स्टॉक कर सकता है. नाउ दिस हैज नेवर हैपन्ड बिफोर एंड दिस ओनली हैपन्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इंटरनेट टेक्नोलॉजी. सो वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन unique technology features and any alleged unique ethical issues. अब इसके अंदर हमें confuse नहीं करना चाहिए कि unique technology is something else, unique ethical issues is something else. अब देखिए नई technology आ गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ethical issues भी नए आ गए. For example, एमी बॉयर के केस में अगर हम देखें तो ठीक है टेक्नोलॉजी नई है, उसके स्टॉकर ने नई टेक्नोलॉजीज यूज करके कमरे के अंदर बैठ के उसको स्टॉक किया, लेकिन हम ये भी तो देखें कि जो उसने काम किया वो तो स्टॉकिंग है ना, और स्टॉकिंग तो पहले भी होता रहा है. तो स्टॉकिंग इज नॉट यूनिक, इट्स नॉट न्यू. तो स्टॉकिंग बुरा है जो कि उसने किया, वेदर ही वाज सिटिंग एट होम, वेदर ही कुड हैव स्टॉक्ड मेनी पीपल, लेकिन उसने जो काम किया, जो बुराई की, वो तो स्टॉकिंग ही की, जो कि पहले भी होती रही थी और शायद फ्यूचर में भी होती रहे और शायद साइबर टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर भी होती रहे. तो हमने टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को और सॉरी टेक्नोलॉजिकल फीचर्स को और एथिकल इश्यूज को सेपरेट करना होगा. टू सिनेरियोस फ्रॉम द टेक्स्ट. कंप्यूटर प्रोफेशनल्स डिजाइनिंग एंड कोडिंग अ कंट्रोवर्शियल कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर पायरेसी. अब इसके अंदर दो इश्यूज को भी हम देखेंगे कि एक जब कंप्यूटर प्रोफेशनल डिजाइन कोड कर रहे हो नए सिस्टम को और फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी जो कि पहले नहीं होता था. अब देखिए ये जो दो इश्यूज हैं ये शायद पहले नहीं होते थे क्योंकि पहले जारी बात है अगर कंप्यूटर सिस्टम नहीं मना करते थे तो ये भी नहीं होते थे और फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी भी पहले नहीं होती थी, बल्कि 80s से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी. आप यू वर अलाउड टू मेक एज मैनी कॉपीज as possible of any software or any other system and you were allowed to distribute it on your own discretion and you were not held accountable at that time. So software piracy bhi pehle issue nahi tha lekin aaj kal ye bahut bada issue hai. Case illustration of a policy vacuum duplicating software. Ab early 80s mein iske liye koi law bhi nahi bane the duplication ke, theek hai, aur koi bhi banda उसको डुप्लीकेट करके उसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था एंड इट वाज रियली इजी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर 81 में इंट्रोड्यूस हुए थे, बाय द वे 81 से पहले जो होते मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स होते थे. तो जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उसका ये नुकसान हुआ है कि इट हैज बिकम वेरी इजी टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ अ सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर and it has become very easy to distribute it without taking permission from the owners. So a policy vacuum arose. To aisa lagna shuru ho gaya ki jab is tarah ki piracy aani shuru hui ki there is a vacuum ki khala hai, policy khala hai jo ki paida ho gayi hai jisko bharna chahiye kisi policy ke through ya koi law banana chahiye, koi rule policy rules banane chahiye. Before the policy vacuum could be filled, we had to clear up a conceptual muddle. What exactly is software? तो उस टाइम पे
जब उन्होंने इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो ये देखिए कि सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है और सॉफ्टवेयर के अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही पायरेसी जो है वो एक इशू है, या फिर शेयरिंग की पायरेसी, या डेटा शेयर, अगर किसी ने आपके साथ डेटा शेयर किया है तो वो डेटा उसने आपके ऊपर भरोसा करके, ट्रस्ट करके सिर्फ आपके लिए दिया, और इफ़ यू हैव शेयर्ड दैट डेटा विद समबडी एल्स, दिस कुड आल्सो कम अंडर दी एथिकल इश्यूज। तो साइबर एथिक्स एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स, अब उसमें फिर एक डिबेट शुरू होगी कि इसको एज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स भी देखना चाहिए। अप्लाइड एथिक्स अनलाइक थ्योरेटिकल एथिक्स एग्जामिन प्रैक्टिकल एथिकल इश्यूज। तो अप्लाइड एथिक्स का मतलब है जो कि प्रैक्टिकल एथिकल इश्यूज होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल्स की लाइफ में, और जो लोग साइबर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं उनकी लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं। इट एनालाइजेज मॉरल इश्यूज फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ वन और मोर एथिकल थ्योरीज। अब उसके अप्लाइड एथिक्स की फील्ड के अंदर ये स्टडी शुरू हो गई कि जो थ्योरेटिकल इश्यूज डिफाइन हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो मटेरियलाइज होते हैं, एंड कौन कौन से ऐसे हैं जो कि व्हेन अ प्रोफेशनल इज वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फील्ड और अ कॉमन पर्सन इज यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी, दैट पर्सन व्हेन एवर एक्सपीरियंस अ प्रैक्टिकल थिंग एंड देयर कुड बी सम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दोज थिंग, तो उसको एनालाइज करना शुरू किया गया। Ethicists working in field of applied ethics are more interested in applying ethical theories to the analysis of specific moral problem than in debating the ethical theories themselves. अब इसके अंदर applied ethics के अंदर भी कुछ issues आने शुरू हुए कि जो इसमें जो analysts थे वो ये ज़्यादा देखते थे कि एक specific moral problem कितना पैदा हो रहा है और morally क्या चीज़ गलत हो रही है, बजाय इसके कि वो ये देखें कि इसके अंदर एथिकल इश्यूज कुछ नए भी आ सकते हैं। देखें, जब आप सिर्फ मॉरल्स की बात करेंगे तो ये पहली दफा हुआ है साइबर टेक्नोलॉजी की वजह से कि कुछ ऐसे मॉरल इश्यूज भी आ गए हैं जिनका पहले हम सोचा भी नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, फ्री स्पीच की बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में की। अब फ्री स्पीच की बात हर मुल्क के अंदर डिफरेंट हुआ करती थी। इन डेवलप्ड कंट्रीज as free speech is totally allowed and everybody is allowed to say whatever they want to say, but in some certain countries such as Pakistan you don't have a free speech. I mean, there are certain limitations on free speech, though you have a free speech, but there are some limitations. For example, you cannot talk bad about religion, you cannot talk bad about a certain sect, और तो उसके अंदर अब आप जब बात करते हैं तो वो लीगली भी गलत है, बाय लॉ भी गलत है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर गलत नहीं है। अब जब इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर उन लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ये सिर्फ अब कंट्रीज के ऊपर नहीं आ गया बल्कि अब ये हमें ग्लोबली देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और अगर फ्री स्पीच को आप अगर डिफेंड कर रहे हैं या फ्री स्पीच के अगेंस्ट जा रहे हैं तो तब आपको एक इंटरमीडियरी रूट बनाना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता बनाना पड़ेगा जिसमें कि एक सर्टन लिमिटेशंस के अंदर फ्री स्पीच शुड बी अलाउड। तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो कहने का मतलब है कि मॉरल प्रॉब्लम्स को अगर आप देखेंगे देन यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट न्यू एथिकल इश्यूज विच आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। सो यू शुड कीप योर माइंड ओपन एंड लुक एट द न्यू होराइजन एज वेल, बिकॉज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज new ethical issues are also arising. so you can only point out those ethical issues if you are keeping your mind open and you are not focusing on one certain moral issue. Okay, three distinct perspective of applied ethics. ab applied ethics ke andar teen jo hain perspectives उभरना शुरू हुए, एक प्रोफेशनल एथिक्स का, एक फिलोसॉफिकल एथिक का और एक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू साइबर एथिक्स इज द फील्ड दैट आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज इश्यूज ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल। अब इसमें सारे वो इश्यूज आ जाते हैं जो कि एक आईटी प्रोफेशनल को उस वक्त फेस करने पड़ते हैं जब वो अपनी फील्ड में हो। इस तरह के इश्यूज हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 में
डिस्कस किए थे जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के थे, और उसके अंदर प्रॉब्लम इस तरह के आ सकते हैं जिस तरह के एग्जांपल, वैसे तो 3 और 4 में बहुत एक्सटेंसिव एग्जांपल्स हमने दिए, लेकिन आपको सॉरी अगर हम रिपीट करें तो उसमें फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है, उसका काम है डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. सपोज अ प्रोग्रामर डिस्कवर्स दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शी हैज बीन वर्किंग ऑन इज अबाउट टू बी रिलीज फॉर सेल टू द पब्लिक इवन दो इट इज अनरिलायबल बिकॉज इट कंटेन्स बुगी सॉफ्टवेयर. अब ये केस हमने जो 9 केसेस देखे थे लेक्चर 3 और 4 में, उसके अंदर ये केस भी था. मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ प्रोफेशनल एथिक्स की एग्जांपल देते हुए कि अगर एक प्रोग्रामर है और वो सॉफ्टवेयर रिलीज करने में इन्वॉल्व है, लेकिन उसको पता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इश्यूज हैं, तो उस प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, उसको एक डिसीजन करना है कि whether that software be released or not, and if that software is released, whether they should put in the disclaimer that that software has got certain problems. So, should she blow the whistle, or kya usse batana chahiye organization ko ke ya customers ko jisko software bheja ja raha hai ya becha ja raha hai, to usko batana chahiye ki nahi. Ab professional ethics mein डॉन गॉटनबर्न 1991 में एक आर्टिकल लिखा था. ही आर्ग्यूड दैट ऑल जेन्युइन कंप्यूटर एथिक्स इश्यूज आर प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज, कि जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं दे ऑल कमांड दिस अम्ब्रेला एंड यू ऑलवेज फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फील्ड. कंप्यूटर एथिक्स फॉर गॉटनबर्न इज लाइक मेडिकल एथिक्स एंड लीगल एथिक्स व्हिच आर टाइड टू इश्यूज इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक प्रोफेशंस. तो उसने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि दे आर जस्ट लाइक बिकॉज कुछ लॉज हैं लीगल एथिक्स के लॉज और मेडिकल साइंस के लॉज जो वेल डिफाइंड है बिकॉज दीज प्रोफेशंस आर कमिंग सिंस द बर्थ ऑफ मैनकाइंड. तो ये प्रोफेशन तो शुरू से चले आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो वेल डिफाइंड एथिकल पॉलिसीज हैं वो बनाई गई हैं. तो उसने ये क्लेम किया कि जो साइबर एथिक्स हैं या कंप्यूटर रिलेटेड एथिक्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेडिकल और लॉ रिलेटेड एथिक्स हैं, क्योंकि ये दे आर टाइड टू अ वन पर्टिकुलर प्रोफेशन. ही नोट्स दैट कंप्यूटर एथिक्स इश्यूज आरंट अबाउट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव ऑटोमोबाइल एथिक्स एयरप्लेन एथिक्स. तो उसने ये कहा कि ये कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है. इफ़ यू स्टार्ट कॉलिंग दैम इंटरनेट एथिक्स और कंप्यूटर एथिक्स और साइबर एथिक्स तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल एथिक है, या मतलब आप एक जनरल प्रोफेशनल फील्ड के रिलेटेड एथिक्स कह दें, इसे आईटी रिलेटेड कह दें या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कह दें, बट दे आर नॉट टाइड टू द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. जिस तरह के अब हमारे पास अब ऑटोमोबाइल एक टेक्नोलॉजी है या एयरप्लेन टेक्नोलॉजी एयरप्लेन बनाने की, तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट एथिक्स तो नहीं है ऑटोमोबाइल एथिक्स और एयरप्लेन एथिक्स. सिमिलरली सॉफ्टवेयर एथिक्स भी कोई पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए. ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स पर्सपेक्टिव में गॉटनबर्ग का जो मॉडल था फॉर कंप्यूटर एथिक्स सीम्स टू नैरो फॉर साइबर एथिक्स, लेकिन ये काफ़ी नैरो है. अगर आप इसको ये कह दें कि ये सिर्फ प्रोफेशन के साथ अटैच है तो ये भी ठीक नहीं है. साइबर एथिक्स इश्यू अफेक्ट नॉट ओनली कंप्यूटर प्रोफेशनल, दे अफेक्ट एवरीवन. तो अब अगर आप इसको ये कहें कि जनाब ये सिर्फ जिस तरह मेडिकल साइंस रिलेटेड इश्यूज हो गए या लीगल इश्यूज हो गए ये भी उसी तरह के हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइबर एथिक्स से सर्टन लोग इफेक्ट नहीं होते या प्रोफेशनल जो के फील्ड में काम कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होते, बल्कि इससे हर बंदा इफेक्ट होता है. अब इंटरनेट की वजह से अगर आप एक वेबसाइट बनाएंगे तो कोई बंदा भी दुनिया से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, एंड दे कुड कम ऑन योर वेबसाइट एंड इफ यू हैव पुट सच मटेरियल ऑन द वेबसाइट विच कुड हार्म और विच कुड हर्ट समबडी, देन इट मीन्स दैट यू एवरीबॉडी इन द ग्लो आई मीन एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड कुड बी अफेक्टेड फ्रॉम दैट वेबसाइट. तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल इफेक्ट नहीं हो रहा जिसने वो वेबसाइट बनाई है, बल्कि बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं. बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट गॉटनबर्ग्स प्रोफेशनल एथिक्स मॉडल मे हैव बीन एडिक्वेट. अगर इंटरनेट से हम पहले की बात करें तो शायद ये मॉडल जो है वो ठीक था, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट जिस तरह मैंने वेबसाइट की मिसाल दी, तो हम नहीं कह सकते कि ये इतना एक्यूरेटली जस्टिफाइबल है. अब दूसरा पर्सपेक्टिव है फिलोसॉफिकल एथिक्स.
Now, philosophical ethics are they say that cyber ethics is a field of philosophical analysis and inquiry that goes beyond professional ethics. अब ये भी गॉटनबॉर्न ने ही तजवीज़ किया था और उसमें उसने ये बताया था कि प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ हमें सिर्फ तवज्जो नहीं देनी चाहिए बल्कि ये भी देखना चाहिए कि इसका कोई फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है. यानी अगर आप कोई भी एथिकल इशू डिवाइस करते हैं या एक नई एथिकल पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी एक फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि इन थ्योरी इन इन टेक्स्ट हाउ दैट सर्टन एथिकल इशू इज जस्टिफाइबल. तो उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी ज़रूरी है. जिस तरह के मूर ने कहा 1985 में कि ही डिफाइंड दैट द एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द करस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेशन एंड जस्टिफिकेशन पॉलिसीज फॉर द एथिकल यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी. इसको फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव का कि भाई आप नेचर और सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी हर एथिकल इशूज के साथ डिफाइन करें. अभी उसने 1985 में कहा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है और एप्लीकेबल है आजकल के साइबर एथिक्स पे कि सोशल इम्पैक्ट भी ज़रूरी है और नेचर ऑफ द मॉरल प्रॉब्लम जो कि जिसकी वजह से एथिक बनाया गया है एथिकल पॉलिसी बनाई गई है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एथिकल प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है. Moore argued that automobile and airplane technology did not affect our social policies and norms in the same kind of fundamental ways that computer technology has. तो उसने गॉटनबर्ग को क्लेम कर उसको उसकी पॉलिसीज को रिजेक्ट करते हुए ये क्लेम किया कि आप कहते हैं कि ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन के लिए चूंकि कोई एथिक्स नहीं है तो इसलिए सिर्फ कंप्यूटर के लिए क्यों कोई एथिक्स हो. तो उसमें ऑटोमोबाइल और अगर एयरप्लेन को अगर आप देखें तो वो हमारे सोशल वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करते, सोशल पॉलिसीज को इफेक्ट नहीं करते या हमारी जो ट्रेडिशंस चल रही हैं सोसाइटी में उनको इफेक्ट नहीं करते. लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिए. तो जब सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है देन यू विल हैव टू डिस्कस देम ऑन दैट काइंड ऑफ नोट कि उससे ना सिर्फ ट्रेडिशंस और इफेक्ट हो रही हैं बल्कि सोसाइटी के अंदर सोशल वैल्यूज हर्ट हो रही हैं या हार्म हो रही हैं. तो आपको वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी. इसलिए एयरप्लेन और ऑटोमोबाइल के लिए तो नहीं है बट कंप्यूटर के लिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट एरिया बड़ा है, इसका इम्पैक्ट एरिया ग्लोबल हो चुका है. ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन टेक्नोलॉजीज हैव रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन रिजल्टिंग इन आवर एबिलिटी टू ट्रेवल फास्टर एंड फास्टर देन वी पॉसिबल इन प्रीवियस areas but they did not have the same impact on our legal and moral system as cyber technology. to unka theek hai automobile aur airplane ke apne fayde hain aur unhone lives change ki hain logon ki aur hamare safar karne ke tareeke ko change kar diye lekin unka society ke upar impact koi nahi pada ya moral values pe effect koi nahi pada us cheez pe effect koi nahi pada ki hum ek dusre se baat kis tarah karte hain. अभी जिस तरह YouTube के बैन की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी अब इसको अगर आप देखें तो ये हमारे यानी इंटरनेट का जो Facebook है सोशल मीडिया है वो उसको या YouTube जो है वो इतना इम्पैक्ट कर रहा है कि इससे दो कॉन्टिनेंट्स और दो कंट्रीज के दरमियान और दो रिलीजन्स के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो रही है या उसके दरमियान ताल्लुकात के ऊपर फर्क पड़ रहा है. तो इट इज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्टिंग द सोशल नॉर्म्स वी हैव इन आवर सोसाइटी एंड द वे वी कम्युनिकेट टू ईच अदर द वे वी टॉक टू ईच अदर द वे वी डील टू ईच अदर. सो इट हैज गॉट मोर इफेक्ट देन सिंपली ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन टेक्नोलॉजीज. ओके फिलोसॉफिकल एथिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अप्लाइड एथिक्स भी डिफाइन किया गया जिसमें फिलिप ब्रे ने इन 2000 के आर्टिकल में कहा कि स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय फिलोसोफर्स इन अप्लाइड एथिक्स रिसर्च हैज थ्री स्टेजेस. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस एज अ मॉरल प्रॉब्लम. तो उसने ये तजवीज़ किया कि एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और उसको टैग करें कि वो एक मॉरल प्रॉब्लम है. जिस तरह कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस क्या है, जिस तरह सॉफ्टवेयर की पायरेसी है, ठीक है, या जिस तरह एक सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हों लेकिन आप उसको
बेच दें बगैर बताए हुए कि इसके अंदर बग्स हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल अपना अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको लेबल करें एज अ मॉरल प्रॉब्लम। देन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द प्रॉब्लम बाय क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनिंग द फैक्चुअल डेटा एसोसिएट विद दैट प्रॉब्लम। फिर जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आप उनको डिस्क्राइब करें कि ये एक सर्टेन मॉरल प्रॉब्लम है, इसके ये इम्पैक्ट्स हैं और इससे इतने लोग इफेक्ट होंगे और इस तरह इफेक्ट होंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड अदर पीपल हु आर कनेक्टेड विद दैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वेदर दे आर क्लाइंट कस्टमर स्टेक होल्डर्स और हुएवर दे आर। सो आप उसका इम्पैक्ट देखें और उसके बाद आप एथिकल इश्यूज की तरफ जाएं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स और उनका मॉरल इम्पैक्ट देखा जाए। नंबर थ्री, अप्लाई मॉरल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स टू रीच अ पोजीशन अबाउट द पर्टिकुलर मॉरल इश्यूज। फिर उसके बाद जो हमारी नॉर्मल मॉरल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड नहीं, वैसे भी मॉरल हमारी थ्योरीज हैं जो कि बाकी एथिक्स में भी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन मॉरल जो प्रैक्टिसेस हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल फेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी। तो ये तो एप्लीकेबल हैं बाकी फील्ड्स के अंदर भी। तो इस तरह की जो कॉमन और जनरल सोशल मॉरल वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनकी रोशनी के अंदर इन इश्यूज कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस को देखा जाए और फिर डिफाइन किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि ये किस तरह उन जनरल मॉरल इश्यूज को वायलेट कर रहे हैं। तो तभी आप जाकर बेहतरीन एक मॉडल बना सकेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स का। ओके जी, फिर तीसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है कि साइबर एथिक एज ए फील्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो सबसे पहला प्रोफेशनल था, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा फिलोसॉफिकल था, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में द प्रोफेशनल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स बोथ इलस्ट्रेट्स नॉर्मेटिव इंक्वायरीज इनटू अप्लाइड एथिक्स इश्यूज। अब ये जो जितने दो हमने पहले पर्सपेक्टिव देखे, ये बोथ जो है ना, ये नॉर्मेटिव इंक्वायरीज करते हैं। नॉर्मेटिव इंक्वायरीज क्या होती हैं, मैं आपको थोड़ी देर में डिफाइन करता हूँ। नॉर्मेटिव इंक्वायरी आर कंट्रास्टेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो वो जो दोनों थी, प्रोफेशनल और फिलोसॉफिकल, वो नॉर्मेटिव थी। अब हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या होती हैं वो हम देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अबाउट व्हाट इज द केस। नॉर्मेटिव इंक्वायरीज इवेलुएट सिचुएशन फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट ऑट टू बी द केस। अब डिस्क्रिप्टिव होती हैं जो कि टू द पॉइंट बात करती हैं और उन केसेस को देखती हैं कि जो के प्रैक्टिकल फील्ड में एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव वो होती हैं जो के सोचते, मतलब एक थ्योरेटिकल व्यू देती हैं कि कैसा कैसा प्रॉब्लम हो सकता है या कैसा कैसा इशू हो सकता है, जिसके अंदर हमने प्रोफेशनल और फिलोसॉफिकल देखा। अब फिलोसॉफिकल में स्पेशली आप सिर्फ बैठ के फिलोसॉफिकली देखेंगे, सोचेंगे कि एक साइबर टेक्नोलॉजी जब यूज की जाएगी लोगों के जरिए या एक ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल की जाएगी साइबर टेक्नोलॉजी, तो उससे किस किस्म के एथिकल इश्यूज बन सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, ये एक फिलोसॉफिकल तरीका। प्रोफेशनल तरीका, प्रोफेशनल क्या है एथिक्स, उसमें भी आप इसी तरह देखते हैं कि ये सर्टेन एरियाज हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुंचाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसके अंदर प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल को किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो किस तरह के एथिकल इश्यूज को फेस कर सकता है और उसे किस तरह का डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसे फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और उसके अंदर उसे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए, प्लेजरिज्म से दूर रहना चाहिए, हैकिंग से दूर रहना चाहिए। दीज आर ऑल नॉर्मेटिव एथिक्स, ओके। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वो हैं जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख के फिर उसके मुताबिक बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी द केस,
अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट उसमें एक सिनेरियो अगर हम देखें, अ कम्युनिटीज वर्कफोर्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी. सपोज अ न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्लेसेस 8,000 वर्कर्स इन अ कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फैक्ट्री के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं और उसके अंदर एक मशीन लेकर आ रहे हैं, और उस फैक्ट्री में पहले लोग हाथ से काम किया करते थे और उसमें फॉर एग्जांपल 1,000 लोग हाथ से काम कर रहे थे. अब जब आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं तो वो टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 बंदे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल उसे सिर्फ 2 बंदे ऑपरेट कर सकते हैं. इसी तरह का आप केस देखें कि अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जो 8,000 बंदों को डिस्प्लेस कर रही, यानी कि उसमें आपने इतना टेक्नोलॉजी लगा दी एक फैक्ट्री के अंदर या एक कम्युनिटी के अंदर, आपने टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन की जिससे 8,000 लोग वहां से डिस्प्लेस करने पड़े, जिस तरह मैंने फैक्ट्री की मिसाल दी, तो अब इसका मतलब है टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है लोगों को. अब फैक्ट्री में जब 1,000 लोग काम करते थे, अब उसकी जगह सिर्फ 5 लोग मशीन को ऑपरेट करेंगे, तो आपको 995 लोग तो निकालने पड़ेंगे. सिमिलरली, इफ यू आर ब्रिंगिंग इन समथिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिल्डिंग अ मोटरवे और इफ यू आर पुटिंग सम टेक्नोलॉजी, कनाल टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं जिससे बिजली वगैरह पैदा होगी, तो इफ देर इज सम कम्युनिटी विच इज लिविंग ऑन दैट प्लेस, सो यू विल हैव टू डिस्प्लेस देम, ठीक है, उनको वहां से उठाएंगे आप और उसकी जगह वो मोटरवे या वो बिजली का प्लांट लगाएंगे. तो टेक्नोलॉजी जब कम्युनिटी पे इफेक्ट करेगी तो इसके डिस्क्रिप्टिव एथिक्स आ जाते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव इश्यूज आते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं. इफ वी एनालाइज द इशू सॉलिडली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वर गेन्ड और लॉस्ट इन दैट कम्युनिटी, आवर इन्वेस्टिगेशन एसेंशियली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. तो अब हमारी जो स्टडी होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी अगर हम इस स्पेसिफिक केस को देखें कि जिसके अंदर 8,000 वर्कर्स मिस डिस्प्लेस हो गए या वो जो 995 वर्कर्स अपनी जॉब छोड़ गए. तो जब हम एक पर्टिकुलर केस को बैठ के स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर केस के ऊपर एथिकल रूल्स लगाते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से लागू हो सकते हैं, तो तब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. हम फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ठीक है, नॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे. वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग एन इम्पैक्ट दैट टेक्नोलॉजी एक्स हैज फॉर कम्युनिटी वाई. अगर हम उसको इस तरह कहें कि खास टेक्नोलॉजी किस कम्युनिटी के लिए करेगी, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी. डिस्क्रिप्टिव वर्सेज नॉर्मेटिव क्लेम्स, कंसिडर 3 assertions. अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव में क्या फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, आप 3 assertions लें, ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये हकीकत नहीं है, लेकिन अगर हम assert करें. नंबर 1, बिल गेट्स सर्वड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फॉर मेनी ईयर्स. ये बात तो हकीकत है कि बिल गेट्स जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, नंबर 1 ये हमने assertion की. नंबर 2 assertion की, बिल गेट्स शुड एक्सपेंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स. तो नंबर 2 ये है कि बिल गेट्स को काम करना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में यूज हों और वो ग्लोबली फैलें. नंबर 3 इज दैट बिल गेट्स शुड नॉट एंगेज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर अनफेयर टू कंपेटिटर्स. अब बिल गेट्स को ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि कंपेटिटर्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का कंपेटिटर कौन कौन से हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, एप्पल है, याहू है और इंटेल है और बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जिसमें. तो अब अगर बिल गेट्स अपने ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जिससे उसके कंपेटिटर्स को हार्म होता है, तो वो उसे नहीं करनी चाहिए, एक हम एजर्शन करते हैं. अब इन 3 एजर्शंस को देखें तो क्लेम 2 और 3 आर नॉर्मेटिव. जो 2 और 3 है कि बिल गेट्स को एक्सपेंड करना चाहिए, शुड एक्सपेंड, ठीक है, या बिल गेट्स को शुड नॉट एंगेज, ठीक है, ये नॉर्मेटिव चीजें होती हैं कि जो आप कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन जो क्लेम 1 है वो डिस्क्रिप्टिव है, वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट है कि बिल गेट्स सर्वड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. हमें सबको पता है कि हाँ वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था.
अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम फिलोसॉफिकल की तरफ चले गए या प्रोफेशनल की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव बन जाती है। टू इज नॉर्मेटिव बट नॉन मॉरल। अब अगर टू को हम देखें तो वो नॉर्मेटिव तो है लेकिन उसके अंदर कोई मॉरल इशू नहीं आ रहा। यानी बिल गेट्स शुड एक्सपेंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग्स, ठीक है, उसके अंदर मॉरल इशू कोई नहीं आ रहा। लेकिन थ्री में शुड नॉट एंगेज इन बिजनेस प्रैक्टिस दैट आर अनफेयर टू कंपेटिटर्स, तो उसके अंदर हम उसे कह रहे हैं कि मॉरली गलत होगा अगर वो इस तरह की एक्टिविटी करे जो कि अनफेयर हो दूसरे कंपेटिटर्स के लिए। तो अब हम मॉरल्स की बात कर रहे हैं। तो जो थ्री है वो बोथ नॉर्मेटिव भी है और मॉरल भी है, टू सिंपली नॉर्मेटिव है और वन जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब इसको मैं एक फिगर से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्क्रिप्टिव जो होती हैं वो रिपोर्ट्स और डिस्क्राइब व्हाट इज द केस। ये डिस्क्रिप्टिव से ये बताते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या केस है। नॉर्मेटिव जो है प्रिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी द केस कि क्या केस होना चाहिए। अब जिसमें शुड मस्ट शुड नॉट और इस तरह की चीजें जब आएंगी वो ऑट टू में आ जाएंगी, ऑट टू बी द केस, ठीक है। लेकिन उस नॉर्मेटिव के अंदर दो चीजें, एक नॉन मॉरल है और एक मॉरल है। नॉन मॉरल में प्रिस्क्राइब और इवेलुएट इन मैटर्स इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड्स सच एज आर्ट एंड स्पोर्ट्स, क्राइटेरिया फॉर अ गुड पेंटिंग और एन आउटस्टैंडिंग एथलीट। अब इसके अंदर नॉर्मली क्राइटेरिया आता है या जो जनरल मॉरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बिल गेट्स सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसे चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ाए दुनिया के अंदर और उसके लिए वो काम करे। तो ये एक हम मॉरल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बिल गेट्स की। तो ये सॉरी मॉरल नहीं आती बल्कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बीइंग अ सीईओ। तो इसमें मॉरली कोई चीज अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मॉरली वो गलत नहीं कर रहा होगा। हाँ वो जहरी बात है कि अपने प्रोफेशन के साथ सही नहीं कर रहा और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको सही सर अंजाम नहीं दे रहा, बट इट इज नॉट अ मॉरल इशू। बट मॉरल जो होता है वो प्रेस्क्राइब और इवेल्युएट इन मैटर्स हैविंग टू डू विद फेयरनेस एंड ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया फॉर जस्ट एंड अनजस्ट एक्शन। तो मॉरल वो होंगे जिसके अंदर आप फेयरनेस जो है वो आपकी चैलेंज हो रही है, यानी आपको या तो इंसाफ के साथ काम करना है या ना इंसाफी से। जिस तरह हमने थर्ड एग्जांपल दी कि इफ बिल गेट्स डज सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू हर्ट इट्स कंपेटिटर्स, ठीक है, तो ये मॉरल इश्यूज के अंदर आ जाएगा और मॉरली उससे कोई बंदा हर्ट होगा तो ये आइदर जस्ट होगी या अनजस्ट होगी। ओके, सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के फायदे क्या है? हुफ एंड फन होल्ट ने यह बताया कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी द नॉर्मेटिव एथिकल इश्यूज बिकम क्लियरर। अब जब हम सोशल इफेक्ट्स को यानी अगर हम डिस्क्रिप्टिव को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, नॉर्मेटिव एथिकल इश्यूज भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। The descriptive perspective prepares for our subsequent analysis of ethics that affect our system of policies and laws. तो descriptive का ये फायदा है कि उसके बाद हम normative को ज्यादा आसानी से देख सकते हैं कि क्या चीजें ethical हैं, क्या morals हैं, क्या non-morals हैं और policies किस तरह के बननी चाहिए, ठीक है। तो descriptive is very important और अब इसको अगर हम summary देखें तो professional परस्पेक्टिव के अंदर डिसिप्लिन कौन से आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, लॉज है और सॉरी मेडिकल साइंसेज है, तो इसके अंदर और बहुत सारे प्रोफेशनल में आ जाती हैं और उससे इश्यूज क्या आ जाते हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी, सेफ्टी और कोड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये चीजें हमने प्रोफेशनल में डिस्कस भी की थी लेक्चर नंबर 3 और 4 में। फिलोसॉफिकल में क्या क्या आ जाता है, फिलोसफी और लॉ आ जाता है, तो उसके अंदर इश्यूज किस तरह के आते हैं, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्री स्पीच, ठीक है। अब देखें ये फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं फ्री स्पीच, क्योंकि फ्री स्पीच होगी तो उसके क्या फायदे हैं क्या नहीं है, तो ये आप फिलोसॉफिकली तो जस्टिफाई कर सकते हैं
लेकिन उसको अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेचर पे जाएं तो आपके लिए थोड़ा मसला हो जाएगा। फिलोसॉफिकली आप कह सकते हैं कि फ्री स्पीच की वजह से कुछ रिलीजन, कुछ कम्युनिटीज, कुछ नेशंस अफेक्ट होंगी, ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकली ठीक नहीं है। सिमिलरली प्राइवेसी और एनोनिमिटी पे भी आप फिलोसॉफिकली बात कर सकते हैं कि जी प्राइवेसी जो है सोशल मीडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर प्राइवेसी अगर वायलेट होती है तो उससे किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो आप फिलोसॉफिकली बैठ के तो सोच सकते हैं। लेकिन क्या पता फिलोसॉफिकली अगर आप जो इश्यूज आइडेंटिफाई करें वो डिस्क्रिप्टिव वो वाले इश्यूज ना हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो होता है टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इशू प्राइवेसी का करते हैं, उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि फोटो शेयरिंग है, ठीक है। अब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने फैमिली फ़ोटोज़ या अपने पर्सनल लाइफ के फ़ोटोज़ शेयर करना पसंद नहीं करते, ठीक है, या अपनी पर्सनल या फैमिली वीडियोज़ शेयर करना नहीं पसंद करते। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में देखें, अमेरिका में वो डेवलप्ड कंट्री में या यूरोप के अंदर, उधर क्या होता है कि इन चीज़ों को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। वो अपने पर्सनल फोटोज़ भी, अपने पर्सनल वीडियोस भी शेयर करते हैं, पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। अब अगर आप क्योंकि ये इशू अब फिलोसॉफिकली है, टू द पॉइंट नहीं है कि क्या प्राइवेसी और क्या प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि फोटो की शेयरिंग या पर्सनल वीडियोज की शेयरिंग हमारे नज़दीक प्राइवेसी है, ठीक है, और ये प्राइवेसी को वायलेट करेगी। और यूरोपियन के नज़दीक ये प्राइवेसी को वायलेट नहीं करती, उनके नज़दीक ये पब्लिक चीज़ है। तो इस तरह के इश्यूज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बैठ के सोच सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव की बात अगर हम करें तो उसके अंदर सोशियोलॉजी फील्ड है और बिहेवियरल साइंसेस फील्ड है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो है साइबर टेक्नोलॉजी पे, किस लेवल पे है, गवर्नमेंटल, फाइनेंशियल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सोशो डेमोग्राफिक ग्रुप्स। तो इसके अंदर आप गवर्नमेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको टू द पॉइंट बताना होता है कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है। तो उसके अंदर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते, क्योंकि जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट के लॉज इन्वॉल्व हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ही अपनानी पड़ती है और डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव के साथ ही जाना पड़ता है। अच्छा, अब इस साइबर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल है? अब एटलीस्ट इनिशियली तो ये न्यूट्रल है। कंसीडर द क्लीशे, गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। अब ये एक बड़ी सेइंग है, मशहूर सेइंग है कि गन्स लोगों को नहीं मारती, लोग लोगों को मारते हैं। जहरी बात है, गन कोई बंदा यूज करेगा तो वो बंदे को मारेगा, तो गन इटसेल्फ तो नहीं चल पड़ती, ठीक है। क्लोरनगी बुश ने कहा था, कॉर्लन गी बुश ने 1997 में, कि दैट गन टेक्नोलॉजी लाइक ऑल टेक्नोलॉजीज इज बायस्ड इन सर्टेन डायरेक्शंस, ठीक है। बायस्ड का मतलब यही है कि भाई उसे कोई बंदा यूज करेगा तो होगी। शी पॉइंट्स आउट दैट सर्टेन फीचर्स इनहेरेंट इन गन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कॉज गन्स टू बी बायस्ड इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स वायलेंस। लेकिन गन्स इन केस वायलेंस भी है, क्योंकि अगर गन्स टेक्नोलॉजी ना होती, देखो कुछ लोगों ने तो कह दिया कि गन्स की डोंट किल पीपल किल, लेकिन इसका दूसरे पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से, तो अगर गन्स होती ही ना, ठीक है गन्स तो लोगों को नहीं मारती, लेकिन अगर गन्स ना होती तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि गन्स हैं तो वायलेंस बढ़ रहा है। अगर लोगों को मे बी अगर गन्स ना होती तो लोग शायद इतना बड़ा कदम ना उठाते जो लोग आजकल उठाते हैं, ठीक है। अ डिस्क्लोज मेथड फॉर साइबर एथिक्स, ब्रे ने यह कहा कि बिलीव दैट बिकॉज ऑफ एम्बेडेड बायसेस इन साइबर टेक्नोलॉजी द स्टैंडर्ड अप्लाइड एथिक्स मेथडोलॉजी इज नॉट एडिकेट फॉर आइडेंटिफाइंग साइबर एथिक इशूज। तो उसने ये कहा कि जो अप्लाइड एथिक मेथडोलॉजीज जो आजकल हैं, दीज आर नॉट एडिकेट, दीज आर नॉट सफिशियंट टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स विच कुड बी फेस्ड ड्यूरिंग प्रोफेशनल एथिकल साइबर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल,
क्यों वी माइट फेल टू नोटिस सर्टेन फीचर्स एम्बेडेड इन द डिजाइन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। तो ऐसा होता है कि आप साइबर टेक्नोलॉजी के यूजेज के ऊपर तो बहुत सारे इश्यूज हैं वो तो आप कंसीडर कर लेंगे, जो उसको बनाने के अंदर इश्यूज हैं वो आप कंसीडर नहीं कर पाते। यूजिंग द स्टैंडर्ड मॉडल वी माइट ऑल्सो फेल टू रिकोगनाइज दैट सर्टन प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग साइबर टेक्नोलॉजी कैन हैव मॉरल इम्प्लीकेशन। अब उसके अंदर साइबर सिर्फ एथिकल इश्यूज नहीं आते, बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जिससे मॉरल इम्प्लीकेशंस भी आते हैं, मॉरल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब डिस्क्लोसिव मेथड के अंदर ब्रे नोट्स दैट वन वीकनेस ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ अप्लाइड इज दैट इट टेंड टू फोकस ऑन नॉन मॉरल कंट्रोवर्सीज। अब अप्लाइड एथिक्स का एक मसला ये है जो कि ब्रे ने आइडेंटिफाई किया था कि ये क्या करता है, ये सिर्फ फोकस करता है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि नॉन मॉरल इश्यूज हैं। नॉन मॉरल इश्यूज की बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऑनेस्टी, फेयरनेस, कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेसी। तो आप जब अप्लाइड एथिक्स को यूज करते हैं, ब्रे का कहना ये है कि जब अप्लाइड एथिक्स को यूज करेंगे तो आप सिर्फ मॉरल वैल्यूज को ही देखते हैं, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वैल्यूज की तरफ कम तवज्जो जाती है। So that model fails to identify those practices involving cyber technology which have moral implication, but that are not yet known. अब ऐसा भी है क्योंकि cyber technology बिल्कुल नई है, जिस तरह internet शुरू में नया नया आया था, तो उसके अंदर जब आप सिर्फ moral point of view से देखेंगे, आप सिर्फ general rules apply करेंगे या general principles apply करेंगे, तो फिर technology related principles को आप overlook कर जाते हैं, फिर आप उन इश्यूज की तरफ कम तवज्जो देते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट से रिलेटेड है या मोबाइल से रिलेटेड है। अभी देखिए एक इशू आया था कुछ अरसे पहले कि जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आम हुई थी मोबाइल्स के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है या बाय मिस्टेक ऑन रह गया है या आपने डिलीबरेटली ऑन किया और आप उसके थ्रू कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस ब्लूटूथ की खास रेंज हुआ करती थी और उस रेंज के अंदर किसी और बंदे के पास अगर ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है तो वो आपकी डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता था विदाउट परमिशन, और वो आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी से बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर सकता था या बहुत सारी डेटा डाल सकता था जिसमें वायरस भी हो सकता था या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल की फंक्शनैलिटी को खराब कर दे, तो वो ऐसा भी डाल सकता था। तो अब इसका मतलब है जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, तो अगर अब आप सिर्फ एथिकल रूल्स बना रहे हैं मॉरल इश्यूज को देखते हुए या जो जनरल मॉरल वैल्यूज को देखते हुए, तो आप इस तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप नहीं देख सकते। अब जहरी बात है इसमें ब्लूटूथ पैलेट टेक्नोलॉजी तो कभी नहीं होती थी, ये तो सिर्फ 2000 के अंदर आई या 2000 के बाद आई, तो जब ये होती ही नहीं थी तो इसके लिए जारी बात है सॉल्यूशन भी आपने नहीं देखा, ठीक है, तो उससे ये चीज इफेक्ट हो सकती है। ब्रे रेफर्स टू दोज प्रैक्टिसेस एज हैविंग मॉरल ओपेक और मॉरली नॉन ट्रांसपेरेंट फीचर्स विच ही कंट्रास्ट विद मॉरली ट्रांसपेरेंट फीचर्स। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि आप फिर सिर्फ ट्रांसपेरेंट फीचर्स को देखते हैं कि जो कि मॉरल वैल्यूज के मुताबिक है, लेकिन उन फीचर्स को आप नहीं देख पाते जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। अब एम्बेडेड टेक्नोलॉजी फीचर्स हैविंग मॉरल इम्प्लीकेशन, अगर हम इसको फिगर्स के थ्रू देखें कि ट्रांसपेरेंट फीचर्स में क्या आता है या मॉरली ओपेक फीचर्स में, मॉरली ओपेक फीचर्स ट्रांसपेरेंट फीचर्स तो हमने पढ़ लिए कि जो मॉरल वैल्यूज के थ्रू होते हैं। ओपेक फीचर्स में एक तो नॉन फीचर्स हैं और अननोन फीचर्स हैं। नॉन फीचर्स में यूजर्स आर अवेयर ऑफ दोज फीचर्स बट डू नॉट रियलाइज दे हैव मॉरल इम्प्लीकेशंस। अब नॉन फीचर्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक मोबाइल खरीदा या आपने इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं तो आपको पता तो है कि मोबाइल में ये एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह ब्लूटूथ की एग्जांपल दी, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर आप ब्लूटूथ को गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों का डेटा डाउनलोड करने में तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हम नॉन फीचर्स में यानी आपको पता तो है ब्लूटूथ है या आपको पता तो है कि फेसबुक है और फेसबुक के ऊपर ये चीजें, लेकिन जो आप काम करते हैं वो किसी को हर्ट करते हैं इसका आपको इतना मालूम नहीं होता,
ठीक है बाय हैंड कि क्या ये एथिकली करेक्ट है या रॉन्ग है। एग्जाम्पल कैन ओनली वेब फोरम्स एंड सर्च इंजन टूल्स, ठीक है अब ब्लूटूथ की भी एग्जाम्पल दी, या वेब फोरम्स भी होते हैं, वेब फॉर्म्स हैं या सर्च इंजन टूल्स हैं जिनके अंदर फीचर्स तो नोन हैं, आप उनको बैठ के यूज कर सकते हैं लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये आपको नहीं पता। अननोन में क्या होता है कि यूजर्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी फीचर्स दैट हैव मॉरल इम्प्लीकेशंस सच एज डेटा माइनिंग एंड इंटरनेट कुकीज। अब डेटा माइनिंग और इंटरनेट कुकीज आप अगर क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो अगर आपको पता हो, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि जब आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अब जिस जिस वेबसाइट को खोलते हैं हर वेबसाइट अपनी कोई ना कोई कुकीज आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती जाती है। वो कुकीज सेव पासवर्ड की सूरत में भी हो सकती हैं, आपने देखा होगा अगर आप फेसबुक पे जाएं या अपने ईमेल अकाउंट पे जाएं तो वो आपसे पूछता है कि क्या आपने पासवर्ड सेव करना है, तो वो इसको कैसे सेव करता है कि वो आपके कंप्यूटर पे कुकी रख देता है। ठीक है कुकी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका पासवर्ड वगैरह सेव होता है। ठीक है अब जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो कुकी रन हो जाएगी, ठीक है, और उसके थ्रू आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा और आप उस सॉफ्टवेयर को या उस वेबसाइट को यूज कर सकेंगे। अब इसके अंदर ये अननोन फीचर्स हैं, यानी ये यूजर्स को नहीं पता होते कि कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर ये चीज डाल रहा है। ठीक है ओके अब मल्टीडिसिप्लिनरी एंड मल्टी लेवल मेथड फॉर साइबर एथिक्स। अब इससे मल्टीडिसिप्लिनरी मेथड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। ब्रेस डिस्क्लोजर मेथड इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी बिकॉज इट रिक्वायर्स द कोलैबोरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट फिलोसोफर एंड सोशल साइंटिस्ट। तो मल्टीडिसिप्लिनरी में उन्होंने कहा कि सिर्फ नॉर्मेटिव ना हो, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ना हो, सिर्फ प्रोफेशनल फिलोसॉफिकल या डिस्क्रिप्टिव ना हो, बल्कि इन अगर हम तीनों पर्सपेक्टिव को कंबाइन कर लें तो उससे हमें एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिसके अंदर हम ज्यादा इफेक्टिवली एथिकल इश्यूज को देख सकेंगे और उसके लिए लॉज और प्रिंसिपल्स बना सकेंगे। तो ब्रेज ने ऐसा ही मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल पेश किया। इट ऑल्सो इज मल्टी लेवल बिकॉज द मेथड फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर एथिक रिसर्च रिक्वायर द फॉलोइंग थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस डिस्क्लोजर लेवल थ्योरेटिकल लेवल और एप्लीकेशन लेवल। तो वैसे भी ये जो मेथड है ये इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है कि कंप्यूटर एथिक की जो रिसर्च है उसमें आपको तीन एरियाज को वैसे भी देखना पड़ता है, तीन लेवल्स को। फर्स्ट लेवल इज डिस्क्लोजर लेवल कि आप कितना डिस्क्लोज करते हैं, थ्योरेटिकल लेवल कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे थ्योरी क्या है, फिलोसफी क्या है, और एप्लीकेशन लेवल कि फिर उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो दीज थ्री लेवल्स आर जनरल लेवल्स एनी वे इन एनी कंप्यूटर साइंस रिसर्च। सो इन मल्टी डिसिप्लिनरी दीज ऑल थ्री लेवल्स आर बींग यूज, सो दैट मल्टी डिसिप्लिनरी मैथड इज बेटर देन द अदर मैथड स्टैंड अलोन मैथड्स। ओके थ्री लेवल्स इन ब्रेस डिस्क्लोज मेथड, तो उसने तीन लेवल्स दिए। एक तो डिस्क्लोसिव लेवल दिया जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर डिसिप्लिन कौन से इन्वॉल्व हैं, कंप्यूटर साइंस सोशल साइंसेज, जिसके अंदर टास्क या फंक्शंस क्या हैं, डिस्क्लोज एम्बेडेड फीचर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट हैव मॉरल इम्पोर्ट। तो उसने ये कहा कि डिस्क्लोसिव में आपने क्या करना है कि आप वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें, यूजर्स को बताएं जिसका कोई मॉरल इम्पैक्ट हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ब्लूटूथ की, तो व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूसिंग ब्लूटूथ एंड दे वर गिविंग इट टू पीपल इन देयर मोबाइल डिवाइसेस, दे शुड हैव डिस्क्लोज देम दिस टू देम दैट दिस कैन हैव सम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन, एथिकल एंड मॉरल इम्प्लीकेशन। इसी तरह इंटरनेट कुकीज की हमने बात की या डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज की बात की, तो डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी में भी यही किया जाता है कि जो डेटा वेब के ऊपर जा रहा है उसको वो रिकॉर्ड रखते जाते हैं, यानी आप फेसबुक के ऊपर जो कुछ एंटर कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो कुछ कर रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है और वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट उसको यूज कर सकते हैं बाद में। इसी तरह इंटरनेट कुकीज जो है उसको कंपनीज या वेबसाइट वाले यूज कर सकते हैं कि वो इंटरनेट कुकीज के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। तो डिस्क्लोसिव में ये बाउंड होता है कि हुएवर इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दे मस्ट टेल इट टू द यूजर्स, दे मस्ट डिस्क्लोज इट टू द यूजर दैट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर बीइंग केप्ट इन द प्रोडक्ट
and you should be aware of the ethical issues which are related to these technologies. Isi tarah theoretical level ke andar, theoretical mein philosophy aa jati hai, philosophy perspective, aur uske andar tasks ya function kya hai ki test newly disclosed feature against standard ethical theories, ki jo already jo general theories hain uske sath pehle test bhi kare. Ek to aap disclose kare, फिर उनको आप टेस्ट करें जनरल एथिकल प्रॉब्लम्स के साथ कि क्या उसके अंदर जनरल एथिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं वायलेट हो रहे, और वो कितने वायलेट हो रहे हैं उसको आपने टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना है. इसी तरह थर्ड लेवल एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, फिलॉसफी में और सोशल साइंस में, कि अप्लाई स्टैंडर्ड और न्यूली रिवाइव फॉर्मुलेशन एथिकल थ्योरीज टू द इश्यूज. अब जब आप डिस्क्लोजर कर चुके हैं और उसको थ्योरेटिकली भी टेस्ट कर चुके हैं, अब टाइम आता है कि उनको अप्लाई करने का. तो फिर आप सिर्फ उन्हीं एथिकल प्रॉब्लम्स को, एथिकल लॉज को अप्लाई करें जो कि इन दो लेवल्स में से गुजर चुके हों, ठीक है, डिस्क्लोजर्स में से भी और थ्योरेटिकल में से भी, और वो टेस्ट भी हो चुके हों. तो फिर देन यू कैन मेक प्रिंसिपल, यू कैन मेक पॉलिसीज एंड न्यू लॉज अबाउट द एथिक्स. अब एक थ्री स्टेप स्ट्रेटजी, अगर हम इस सारे को समराइज करें तो हम एक थ्री स्टेप स्ट्रेटजी बना सकते हैं फॉर अप्रोचिंग साइबर एथिक इश्यूज. कि आप साइबर एथिक इश्यूज के ऊपर अगर डिफाइन कर रहे हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप थ्री स्टेप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं. स्टेप वन क्या है कि आइडेंटिफाई प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग साइबर टेक्नोलॉजी और अ फीचर इन दैट टेक्नोलॉजी दैट इज कंट्रोवर्शियल फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव. सबसे पहले तो आप साइबर टेक्नोलॉजी को असेस करें और उसके अंदर एक खास फीचर आइडेंटिफाई करें जिस फीचर के थ्रू कोई मॉरल जो कंट्रोवर्सी वो आ सकती है, और कोई मॉरल पर्सपेक्टिव के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिससे कोई बंदा इफेक्ट हो सकता है. जिस तरह मैंने आपको इंटरनेट कुकीज और ब्लूटूथ की एग्जांपल दी, तो आप पहले वो एक फीचर आइडेंटिफाई करें. देन डिस्क्लोज एनी हिडन और ओपेक फीचर और इश्यूज दैट हैव मॉरल इम्प्लीकेशन. उस फीचर के अंदर फिर आप डिस्क्लोज करें कि इसके अंदर कोई हिडन पॉलिसी है या इसके अंदर कोई हिडन फीचर है जो कि लोगों को या तो पता नहीं है डेलिबरेटली और अन इंटेंशनली. इफ दे यूज दैट फीचर दैट विल वायलेट सम काइंड ऑफ सर्टन मॉरल वैल्यू. फिर इफ द इश्यूज डिस्क्रिप्टिव असेस द सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन फॉर रेलिवेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन. ये वही बात आ जाती है कि अगर उसके अंदर कोई हिडन है और कोई डिस्क्रिप्टिव इशू है, तो वो भी आप देखें कि उसकी मॉरल या सोशल वैल्यूज किसी सर्टन सेक्ट के, सर्टन रिलीजन के, सर्टन कम्युनिटी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं कर सकती, तो वो भी आपने डेमोग्राफिकली एनालिसिस भी करना है. और सी में इफ देर आर नो एथिकल नॉर्मेटिव इश्यू देन स्टॉप. और ओके, तो अगर तो कोई नॉर्म एथिकल इश्यूज है ही नहीं, तो फिर आपको साइबर एथिक उसका कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो आप रुक जाए, ठीक है. एंड इफ द एथिकल इश्यू इज प्रोफेशनल इन नेचर, असेस इट इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर रेलिवेंट प्रोफेशनल एसोसिएशंस. तो अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप जनरल एथिक्स की तरफ जाए. आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो जनरल एथिक्स जो कि हर फील्ड में एप्लीकेबल है, आप वो जनरल एथिक्स उठाएं और देखें कि क्या ये सर्टन फीचर किसी जनरल एथिक्स को वायलेट कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए एक साइबर एथिक पॉलिसी सही तरीके से बना सकेंगे. If one or more ethical issues remain, then go to step two. लेकिन अगर अभी भी कोई ethical issues रहते हैं, फिर step two पे आप चले जाएं. Step two क्या है? Analyze the ethical issue by clarifying concept and situating it in a context. अब आपने इसको analyze करना है. Analyze कैसे करना है कि इसको किसी context में रखें. For example, context क्या होता है? जिस तरह हमने cases पढ़े, 9 cases पढ़े lecture 3 or 4 में, कि we saw them in some kind of context. Like how you can face them in real world situations. तो आप उस context में जाके उस problem को analyze करें, that how can it affect a real world example or real world situation. If a policy vacuum exists, go to step 2b, otherwise go to step 3. और अगर तो वाकई कोई policy vacuum है, यानी policy vacuum का मतलब है कि वहाँ कोई policy पहले से नहीं बनी हुई उस problem की, तो फिर तो आप 2b पे जाएं. 2b क्या है?
क्लियर अप एनी कंसेप्चुअल मॉडल्स इन्वॉल्विंग द पॉलिसी वैक्यूम एंड गो टू स्टेप थ्री. तो उस वैक्यूम को आप दूर करें, एक पॉलिसी को डिफाइन करने की तरफ जाएं, और फिर स्टेप थ्री की जाए. स्टेप थ्री क्या है कि डेलिब्रेट ऑन द एथिकल इश्यूज. द डेलिब्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्स टू स्टेजेस. उसके ऊपर डेलिब्रेशंस करें. डेलिब्रेशंस होता है कि उसके ऊपर आप लोगों की बैठ के व्यूज लें, मुख्तलिफ पार्टीज को बिठाएं और उसके ऊपर सोचें कि क्या ये एथिकल प्रॉब्लम है, वाकई में है, और क्या इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं. तो उसके अंदर है अप्लाई वन और मोर एथिकल थ्योरीज टू द एनालिसिस ऑफ अ मॉरल इशू एंड देन गो टू स्टेप थ्री भी. और उसके ऊपर जो एथिकल थ्योरीज अवेलेबल हैं, अभी हमने बहुत सारी थ्योरीज की तरफ देखा, वो आप अप्लाई करें और फिर देखें कि क्या ये वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है. जस्टिफाई द पोजिशन यू रीच्ड बाय इवेल्युएटेड अगेंस्ट द रूल्स फॉर लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, अब इसके ऊपर आप लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग करें और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि जो एथिकल प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या वो जस्टिफाइबल है कि उसके एक पॉलिसी बनाई जाए या इसका एक लॉ बनाया जाए. तो ये थे हमारी थ्री स्टेप स्ट्रेटजी जो कि आप बना सकते हैं साइबर एथिक्स इश्यूज को डिफाइन करते वक्त. ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समराइज कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में. तो सबसे पहले तो हमने यूनिकनेस देखी कि यूनिकनेस क्या है साइबर एथिक्स की, और फिर उसके बाद हमने मॉडल्स की तरफ गए. उसमें हमने डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट जो साइंटिस्ट्स हैं जो कि एथिकल साइंटिस्ट हैं उनके हमने व्यूज़ देखे कि उन्होंने एक डिबेट की है थ्योरी के अंदर, और उन्होंने एक डिबेट की है लिटरेचर के अंदर कि क्या कौन कौन से एरियाज हैं जो कि साइबर एथिक्स के अंडर आ सकते हैं, और क्या साइबर एथिक्स को एक यूनिक फील्ड होनी चाहिए या इसको एज ए जनरल फील्ड ट्रीट करना चाहिए. फिर उन्होंने थ्री किस्म के पर्सपेक्टिव दिए, जिसके अंदर पहला पर्सपेक्टिव था प्रोफेशनल, दूसरा पर्सपेक्टिव था फिलोसॉफिकल, और तीसरा था डिस्क्रिप्टिव. हमने उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल देखी, फिर हमने मॉरल और नॉन मॉरल की एग्जांपल्स देखी, फिर हमने मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल देखा कि वो जो है वो इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करके बनाया जाता है. और फिर इन सारी चीज़ों की डिबेट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक थ्री स्टेप स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर अप्रोचिंग एथिकल साइबर एथिक इश्यूज. कि जब वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ साइबर एथिक प्रिंसिपल, देन यू शुड अडॉप्ट दीज थ्री स्टेप स्ट्रेटजी एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर स्ट्रेटजी एंड अ बेटर प्रिंसिपल एंड अ बेटर रूल्स फॉर एथिकल इश्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज का लेक्चर कंक्लूड होता है, और साइबर एथिक्स के ऊपर हमने दो लेक्चर्स किए हैं तो वो कंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.